Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है Sathology, उसके विपरीत है Mythology, जिसका मतलब होता है नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. Mythology शब्द ने पूरी दुनिया की identity का नाश किया है. एक शब्द की वो है, हर जगह यूज किया जाता है Mythology. आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को सेकंड सीरीज में डीबंक करेंगे, आर्टिफिशियल, आर्बिट्ररी एंड इलीगल नेशन स्टेट्स. इसके विषय में डिटेल में आपने पिछला वीडियो देखा और अभी ये वीडियो में आपको और भी आनंद आएगा. विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता के लिए. नमस्ते. नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार. ये तो आदित्य जी Sathology पर मुझे बहुत स्थान दे रहे हैं, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद. नहीं, और actually, हार्दिक धन्यवाद सुनने वालों का जो इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि आदित्य जी प्रसन्न होकर मुझे और स्थान दे देते. एक्चुअली मैं आपको जितना अधिक आप लोग सुनेंगे उतना अधिक Sathology में मेरी बातों को स्थान मिल जाएगा. नहीं नहीं, तो कृपया लाइक शेयर सब करते जाइए. थैंक यू वेरी मच. और दर्शकों को भी मैं बोलूंगा कि इट इज अ ग्रेट फॉर्चून फॉर ऑल ऑफ यू. आप सबका बहुत सौभाग्य है कि आप कुसुमलता केडिया जी को सुन रहे हैं. और वो तो उनकी काफी दया है, इसलिए बोलती हैं कि हम लोग स्थान दे रहे हैं. लेकिन एक्चुअली आई एम ऑल्सो लर्निंग अलॉट, क्योंकि ये सब विषय पे मैंने लिखा है थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में जो रिसर्च आपका है यूरोप पे और इतिहास पे, that very few people know. So, इसलिए ये topics इतने important हैं कि this is going to shape the future of the world. And वही काम है Sathology का, to debunk mythology so that people are more confident, more aware of their identity. और Sathology की वजह से कितने countries में इस समय, मुझे इतने emails आते हैं आजकल, कितने देशों में, अमेरिका के भी कितने देशों में, बहुत सारे Americans को हिंदी समझ में आती है. तो मैनी अमेरिकन्स और अदर कंट्रीज में, मेरे को कल एक ईमेल आया कैमरून से, एंड समबडी रोट दैट योर वीडियोस दे ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू देयर लैंग्वेज एंड टेल टू देयर पीपल, दिस इज व्हाट दे सेड. तो इट इज क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन एंड इट इज आल्सो हेल्पिंग पीपल इन हैविंग प्राइड इन देमसेल्व्स, देयर ओन कैपेबिलिटीज, और उनके साथ साथ उनका भी एजुकेशन सिस्टम है, दे आर डिमांडिंग ए चेंज इन कैमरून, एक अफ्रीका में कोई कंट्री है. और उनके सॉकर टीम के बारे में पहले मैं जानता था, फुटबॉल टीम के बारे में, लेकिन फर्स्ट टाइम आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम ए कंट्री इन साउथ अफ्रीका, बोलीविया. वी वर द ओनली चैनल टू कवर उनका जो नेटिव जो है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनको के साथ क्या हुआ. और भी उनका प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने स्पेन की प्रिंसेस के ऊपर नेटिव कपड़े पहना दिए. एंड इफ यू नोटिस द प्रोटेस्ट, तो वहां पे एक जगह Sathology का भी बैनर है. और हम लोग कभी बोलीविया गए नहीं है, मैंने एक ट्रिप किया था लेकिन कभी गए नहीं है. तो पीपल आर लिसनिंग टू दीज वीडियोज एंड ऑल्सो मेकिंग चेंजेस टू देयर इंडिजिनस मूवमेंट्स ऑल्सो. तो ये भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है. तो आपकी वजह से Sathology लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं. आपने इतना डेरिंग ये जो दे रखा है डिबंकिंग माइथोलॉजी या मिथोलॉजी, असली में हो क्या रहा है कि सारी दुनिया में जो एकेडमिक एजेंडा है वो एजेंडा है जो मिथोलॉजी वालों ने सेट किया है. जो कोलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन के नाम से चल रहा है. अब ये डीकोलोनाइजेशन भी तो उनका शब्द है ना. कोलोनाइजेशन और इंपेरियलिज्म था क्या? जो था वो ना तो कोलोनियलिज्म था और ना इंपेरियलिज्म था. कोलोनियलिज्म का मतलब जाकर बसना और इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्य. ये दोनों तो नहीं था. था जो था वो भयंकर नरसंहार था.
नृशंसता थी, क्रूर हिंसा थी, बीभत्स मारकाट था, तो वो तो ये शब्द नहीं देंगे ना। तो हम सभी लोगों को अपने लक्ष्यों के अनुसार एजेंडा सेटिंग करना होगा। और भारत का लक्ष्य क्या है? सनातन धर्म का संपूर्ण धरा पर सेवन, क्योंकि धर्म के सेवन मात्र से ही सुख है, आनंद है, ओज है, उत्साह है। बिल्कुल। तो इसलिए आपके चैनल पर ये बातें अपने आप दिमाग में आने लग जाती हैं कि अरे ये विषय लो भाई, अरे ये विषय लो भाई। ये विषय यूरो अमेरिकन एजेंडा तो सेट नहीं करेगा। बिल्कुल। वो अपने नृशंस रक्तपात को कॉलोनियलिज्म कहेगा। तो आज हम बात करेंगे, जो आपसे मैंने शब्द सीखा, सेटलर्स ऑक्यूपेशन। तो हम लोगों ने अपनी पिछली बार जो बात की थी, आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इलीगल नेशन स्टेट की, उसका एक दूसरा कड़ी, ये जहां आप बैठे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो नेशन स्टेट नहीं है भाई। स्वयं इनके द्वारा मतलब यूरो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल ब्लॉक के द्वारा दिया हुआ मिड 19th सेंचुरी के बाद नेशन स्टेट की जो परिभाषा है, यूएसए तो वो नहीं है भाई। ये कह रहे हैं कि एक कोई नेशन है, और जो नेशन है उसका स्टेट होना चाहिए। नेशन क्या है? जो लोग हैं, जन हैं, पीपल हैं, इन पीपल का एक कोई पूर्वज हो, एक कोई कॉमन इतिहास हो, कॉमन भाषा हो, भोजन हो, रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, गाने हो, नाच हो। यूरोप तो कढ़ाई है भाई, बटुली है, खिचड़ी थी, और खिचड़ी में सैकड़ों सामान है। यहाँ तो इंग्लैंड वाले भी हैं, फ्रेंच भी हैं, जर्मन भी है, स्पेनिश भी है, पुर्तगाल भी है, इटली भी है, पोलैंड भी है, चेकोस्लोवाकिया भी है। केवल इतना नहीं है भाई, यहाँ के मूल लोग जो तुम्हारे अपने वर्णन के अनुसार 1492-98 में जब कोलंबस गया है, तो तुम्हारे अनुमान के अनुसार करीब 11 करोड़ लोग थे यहाँ पर। तो 11 करोड़ लोग कहाँ गए? ये तो उनका देश है ना, उनका नेशन है ना, तुम्हारी अपनी परिभाषा के अनुसार। यूरोप से आकर जो सेटल हुए हो, जो सेटलर्स हो, वो तो वहां के लोगों के शत्रु हो ना भाई। वहां के पूर्वजों को अपना पूर्वज नहीं बताते, वहां के इतिहास को तुम अपना इतिहास नहीं बताते, वहां की भाषा तुम बोलते नहीं, वहां के रीति रिवाज का तुम पालन नहीं करते, वहां के कपड़े लत्ते तुम पहनते नहीं, वहां के पूज्य स्थानों पर जाकर तुम पूजा नहीं करते, सबका तुम नाश 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 करते हो। और सुनिए भाई, ये जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहे हैं, इसका तो तुम्हारे पास कोई नाम भी नहीं है। अमेरिका नाम एक विचित्र आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी नाम दो कॉन्टिनेंट का रख दिया, एक किसी आदमी के नाम पर जो तुम्हारे अनुसार टहलता हुआ वहां पहुंच गया था। तो तुमने कहा इस क्षेत्र में जो स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड हैं, तो अमेरिका में कुछ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो तुम्हारे तो नेशन स्टेट का नाम नहीं है भाई। और फिर तुमने 18वीं-19वीं शताब्दी में अफ्रीका से जो लाखों लोगों को, करोड़ लोगों को जबरदस्ती, उनकी इच्छा के विरुद्ध ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम के जघन्य अपराध को करते हुए पकड़ पकड़ के छल से, घात से, हिंसा से लाए,
आधे अटलांटिक में मर गए, आत्महत्या कर ली, और जो आकर बसे उनका भाई तुम यूरोपियन लोगों से क्या लेना देना है, शत्रुता है शत्रुता है, इसलिए युद्ध है युद्ध है, हिंसा है हिंसा है, इतने भी से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम्हारे यहाँ भारत के लोग हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इंडोनेशिया थाईलैंड जावा सुमात्रा बोर्नियो ऑस्ट्रेलिया, यू नेम एंड दे आर देयर। तुम्हारे यहाँ सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने देश हैं उनके लोग हैं, साउथ अमेरिका के जितने लोग हैं, सेंट्रल अमेरिका के जितने लोग हैं, तुम्हारा परम शत्रु जापान उसके कितने लोग हैं, तुम्हारा परम शत्रु चीन उसके कितने लोग हैं, और सबको तुमने अमेरिकन सिटीजनशिप दे रखी है। तो तुम्हारे अपने नेशन की परिभाषा के अनुसार, अभी स्टेट पर भी आऊंगी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन नहीं है। और ध्यान देने की बात है कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी मुख्यालय शायद हेग में है, शायद वहां पर अमेरिकन नेशंस ने, कौन से नेशन, मूल कौन है वो मूल लोग, तुमने सही कहा था, भारतीय हैं, जिनको तुम अब रेड इंडियन कहते हो, जिनको तुमने इनक्लोजर में बंद कर रखा है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम कौन, यूरोपियन सेटलर्स जो उस पूरे क्षेत्र के ऑक्यूपायर्स हैं, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुकदमा कायम कर रखा है। वो मुकदमा गोरे सेटलर लोगों ने अपने प्रभाव से उसी तरह लटका रखा है जिस प्रकार भारत में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के प्रभाव से भारत के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या का मसला लटका रखा था। जिस दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला आएगा, और स्वाभाविक है फैसला उन छह नेशंस के पक्ष में आएगा, ध्यान दीजिए बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, उन छह वास्तविक उस क्षेत्र के नेशंस के पक्ष में आएगा। ये महाद्वीप का जो नाम है, आदित्य जी बताएंगे कौन सा महाद्वीप है, ये अपने लोग की भाषा में इसका मूल नाम जो था कच्छ क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप। तो क्रौंच द्वीप में जो मूल लोग है, मैं ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्रौंच है ये, क्रौंच उल्टा पक्षी, लोग हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके दिखाए तो उनको दिख जाएगा। ये चोंच है क्रौंच की, और ये उसके पंख है, हाँ, ये चोंच है, ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है वो, हाँ, तो इसलिए उसको क्रौंच, देखिए कितना एक्यूरेट है वैदिक डिस्क्रिप्शन, कितना एक्यूरेट है, क्रौंच द्वीप है ये, और लोकल्स इसको बुलाते हैं टर्टल आइलैंड, कच्छप द्वीप। हाँ, कुरुम की कहानी बहुत जरूरी होती है, तो उनके जो लोकल कस्टम्स में बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है, वो भूमि की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी एक कछुए के पीठ पे बैठी हुई है, कुरुम अवतार, और उसके पीठ पे बैठी हुई है, और यहाँ पे क्रौंच जो नाम पड़ा है वो है स्कंद के ऊपर पड़ा हुआ है, कि स्कंद ने जब प्रहार किया था तो उसका कटीर प्रदेश कट गया था, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो सारी स्टोरीज अगर आप फोक स्टोरीज सुनेंगे तो एक साथ मैच करती है सारी की सारी स्टोरीज, एंड विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आपने भी पढ़ा ओरिजिनल एक्टर्स में, मैंने लिखा है सब चीजें, जी आपने सब दिया है वहां पे दिया है। इस अमेरिका के जो मूल नेशंस तुम्हारी परिभाषा के अनुसार है, तुम्हारी भाषा में जो मूल नेशन है, उन्होंने ऑक्यूपायर्स सेटलर्स पर मुकदमा कायम किया है, और ये कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था, ये क्या हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। बिल्कुल अच्छा, मैं वो जो छह नेशंस है ना, वो ये इधर के ओजिबे, और ये इस एरिया के पूरे लोग हैं, ऑन्टेरियो से लेके केंटकी तक, इनको यहाँ तक नॉर्थ साउथ कैरोलिना तक बनता है छह नेशंस, आयोवा, अच्छा। इस सर्कल में,
बहुत बड़ा टेरिटरी है कनाडा और यूएस का मिला के। प्लीज कंटिन्यू। ये अटलांटिक से जब ये लोग आए हैं तो इसी क्षेत्र पर आए हैं, तो हम जहां मूल पर थे, जब आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट आते हैं, तो इस अमेरिका में, इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूरोप से आए ऑक्यूपायर सेटलर्स ने पिछले 250-300 साल में, पिछले 450-450 साल में करोड़ों को मारा है, लाखों में नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने मरे हैं उससे कई गुना तो इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मरे हैं। क्यों मरे हैं? ये एक स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है। अगर ये एक नैसर्गिक स्वाभाविक राष्ट्र होता तो यहाँ एक राजा होता, राजन्य वर्ग होता, राजनीति होता, और ये राजा राजन्य राजनीति किस लिए होता? प्रजा के कल्याण के लिए। और यहाँ क्या किया गया? जेनोसाइड किया नहीं गया, ये लगातार चल रहा है। जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेक्सिको के लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बॉर्डर लगा रहा है, तो भाई वहां के मूल लोग पुनः अपने अपने क्षेत्र में आना चाह रहे हैं। इन मूल लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण वर्ण संकर संतानें हैं, लेकिन इन वर्ण संकर संतानों का भी जो दावा है, जो क्लेम है, जो अधिकार है इस भूमि पर, तुम सेटलर ऑक्यूपायर से तो ज्यादा है। तो इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कारण अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जाए तो जियोपॉलिटिक्स वाले ये कहते हैं, भाई ये दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, कॉन्टिनेंटल साइज का है, एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ पैसिफिक है, तो अत्यंत सुरक्षित है। ये उनका नरेटिव है। अब मेरा नरेटिव सुनिए। ये सबसे सुरक्षित है तो इसके पास इतना भयंकर मार काट का सैन साजो सामान जो है, वार का प्रिपरेशन और वार की तैयारी इसके पास क्यों है? पिछले यानी 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक देश यह क्यों है भाई? तुम पर आक्रमण करने कौन आ रहा है भाई? कनाडा ने तुम पर आक्रमण किया था कि मेक्सिको ने तुम पर आक्रमण किया? ये तुम्हारे जो दो पड़ोसी हैं, ये तुमने आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं, कनाडा पर भी आएंगे। और मेक्सिको का क्षेत्र ये तो नहीं था, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, और मेक्सिको नाम भी इनका अपना नाम तो नहीं है, इनके तो अपने सुंदर श्रेष्ठ सनातन धर्म से संबंधित नाम है जिसके विशेषज्ञ आदित्य जी हैं। तो चूंकि ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है, आर्बिट्रेरी है, प्लस सेटलर्स ऑक्यूपेशन है, तो पहले मूल लोगों को मारा, अफ्रीकी लोगों को मारा, स्वयं अपने लोगों को मारा, वो कहानी हम बाद में सुनाएंगे आपको, और इसके साथ यहां से उठकर सारे संसार को मार रहे हो। क्यों? तुम भयभीत, तुम इसको वर्जिन लैंड कहकर इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा किए। ये वर्जिन लैंड नहीं था, दूसरों का लैंड था। आज भी लैंड मैन रेशियो अगर इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखा जाए तो तुमको दुनिया भर के संसाधनों को लूट कर मत कहिए, चोरी कर ठगी करके लाने की जरूरत क्या है? ऐसे लगातार युद्ध तो कभी नहीं हुए जब से अस्तित्व में तुम आए हो। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अस्तित्व में कब आया? बोस्टन टी पार्टी के बाद आया, जब तुमने कहा कि साहब इंग्लैंड से हमारा लेना देना नहीं है, इंग्लैंड से लेना देना नहीं है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एक लिंकन है, फिर तुम लोगों का उस स्लेव वाले मामले पर झगड़ा है, तो 13 राज्यों का
तुमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था, ड्राइव टू वेस्ट तो कल की घटना है, 19th सेंचुरी की, मिड 19th सेंचुरी के बाद ड्राइव टू गोल्ड, गोल्ड रश जो तुम्हारा हुआ, सोने के लिए पश्चिम दिशा में तुम भागे और तुमको मिला काला सोना तेल। तो ये देश भी तो इस देश की, इस स्टेट की जो बाउंड्रीज भी है वो भी तो अभी कल खींची गई है भाई। तो ये एक भयंकर खूनी युद्ध करने वाला देश है जो अपने को डेमोक्रेसी कहता है, लोकतंत्र कहता है। तो अगर हम इनके विमर्श में, इनके डिस्कोर्स में, इनके एजेंडा में जाएंगे तो मिथ, मिथ और मिथ खड़ा रहेगा। जेनोसाइड करने वाला अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, और आदित्य जी ने बताया कि 1860 के आसपास यहाँ के मूल निवासियों को वोटिंग का अधिकार दिया गया, और उसमें भी कितना घपला और क्या क्या है जिसके कारण उनका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। सेकेंड जून 1924 अगर आप टॉक दें तो मेरे से 10 गुना अधिक जानकारी देंगे। मैं तो एक नन्ही सी बात कह के अब आगे बढ़ रही हूँ। अब इसके ऊपर एक और कमाल की चीज है, कनाडा। मैंने नाम ढूंढा कि कनाडा बड़ा अजीब सा लग रहा है, यूरोप में तो ऐसा कोई जगह है नहीं, कनाडा। उन्होंने एक नाम कहां से ढूंढ लिया, तो कथा मिली जी, किसी ने किसी गांव के मुखिया का पता पूछा तो वहां के लोगों ने कहा जाओ जाओ कनात 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 वहां है। कनात का मतलब इनके यहाँ कोई गांव, कोई सेटलमेंट है। तो ये कमाल की बात है। अगेन कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर एक आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल, इसलिए इलीगल नेशन स्टेट। और आज भी ये क्या गाना गाते हैं, इनका नेशनल एंथम क्या है, गॉड सेव द क्वीन। अब क्वीन तो मर गई तो गॉड सेव द किंग गा रहे होंगे। अब ये देश वेश कैसे बना इसकी भी कथा सुन लीजिए। 1763 में अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने कोई संधि बंधि की और कहा जी इस पर तुम्हारा अधिकार है, यानी ब्रिटेन वालों का अधिकार। फिर 1783 में एक संधि की और कहा जी तुम्हारा ही है। अभी ये पूरा कनाडा नहीं आया है, अभी अटलांटिक कोस्ट वाला और ये जो झील है, तीन बड़ी झीलें हैं, इसके ऊपर वाला हिस्सा, और कहा नीचे वाला हिस्सा जी अमेरिका में छोड़ देते हैं। मजाक। राष्ट्र क्या होता है, अभी भारत का वर्णन करूंगी तब आपको समझ में आएगा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, कैन यू हियर मी जी? हाँ। क्या क्या हुआ था, जब पहले 13 कॉलोनीज बनी एंड दे टुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड, तो उन्होंने, ब्रिटिश ने बोला कि अभी हमको 1783 में बोला कि हमको कुछ जगह दे दीजिए ताकि द क्राउन रिटेन्स द कंट्रोल, थोड़ा रेवेन्यू क्राउन को भी आए। तब वो कनाडा दे दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आजादी है वो है सेटलर्स की, जो कि वो भी एंग्लो सैक्सन ही है, ब्रिटेन से ही है। उन्होंने आजादी ली किंग ऑफ इंग्लैंड से, तो नेटिव अमेरिकन को कभी भी आजादी नहीं मिली, इसका मतलब देश कभी आजादी नहीं हुआ। हाँ, अमेरिका का है। तो जो दूसरों की धरती पर कब्जा करने वाले चोर है वो अपने को कहते हैं जी हम तो पुरानी डेमोक्रेसी है। फिर 1867 आ गया इस कनात महोदय का, केवल चार प्रांत, कौन से चार प्रांत, ये अटलांटिक से छूते हुए और तीनों झीलों के ऊपर वाले हिस्से, ये चार मिलकर हुए कनाता, कनाता का कनाडा। और उस वक्त भी बहुत बहस हुई 1867 में, 8-10 नाम का प्रस्ताव आया यूरोपियन के नाम पर, ये रख ले ये रख ले ये रख ले। तो किसी ने कहा नहीं कनाता ठीक है, कनाडा नाम हो गया।
ये कथा है कनाडा की, और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल बाउंड्री देखेंगे तो एक सीधी लाइन, किसी भी राज्य की, राष्ट्र की, हमारे यहाँ तो जिलों की भी जो सीमाएं होती हैं वो स्वाभाविक नैसर्गिक झील नदी पहाड़ पठार इसके आधार पर होती है। और जब आपको आर्टिफिशियल नेशन स्टेट ढूंढना हो तो आप स्ट्रेट लाइन खोजिए, पूरे अफ्रीका में आप चले जाइए, सीधी सीधी लाइनें अफ्रीका की धरती पर नहीं, अफ्रीका का कागज में एक ऐसे ऐसे खींचा ये अफ्रीका और लाइन मार दिया, ये लाइन है, इस देश का नाम ये है, इस देश का नाम ये, पूरे अफ्रीका को इन्होंने इस प्रकार आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स में बांट दिया। अभी तो इसकी भी कहानी बाकी है, मैं तो बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, मेरी जानकारी थोड़ी है। यहाँ बकायदा 19 सेंचुरी में ये लोग क्षेत्र एक दूसरे से खरीद बेच ले रहे हैं, मैक्सिको से खरीद लेते हैं, मैक्सिको कनाडा को बेच देते हैं, कनाडा से खरीद लेते हैं, किसको बेच देते हैं, माने राष्ट्र देश नहीं हुआ, भिंडी परवल और तुरई हो गया भाई। तो अब आ जाइए सेंट्रल अमेरिका, फिर आ जाइए नीचे पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, इसमें एक विशाल काय क्षेत्र है ब्राजील। मैंने कहा कि भाई इतना इतिहास मैंने पढ़ा, इतना विशाल देश ब्राजील का कभी नाम नहीं सुना। तब खोजने जब लगी थी तब पता चला कि वहां एक पेड़ है जिसकी लकड़ी लाल है, जिससे लाल रंग निकालते हैं स्पेनिश लोग, तो लाल लकड़ी के पेड़ों के आधार पर उसका नाम रख दिया ब्राजील। और कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है सब। तो मुझे दोनों अमेरिका के बारे में जानकारी थोड़ी है, मेरा मेन फोकस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। शेष के बारे में एक्सपर्ट तो स्वयं होस्ट आदित्य जी हैं, वो बताएंगे। तो अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब अच्छा, से अस्तित्व में आया है तब से भयंकर संसार भर में, पहले तो इस क्षेत्र में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1914 से 2023 तक, अगर इसके द्वारा और इसके कारण विभत्स नरसंहार की सूची देखी जाए तो बहुत लंबी होगी। तो जो हमारा विषय है कि भयंकर युद्धों का कारण है आर्टिफिशियल, युद्धों का भी शब्द गलत है, युद्ध नरसंहार घृणित हिंसा विभत्स अत्याचार, जैसे जैसे आप विशेषण और शब्द रखते चले जाइए, इसका एक अत्यंत प्रमुख कारण 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी में है, आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर इलीगल नेशन स्टेट, जिनको जाना ही है 21वीं सदी में, वो अपने आप जाएंगे और इनकी विदाई में हाथ लगाना धर्म का कार्य है। अच्छा मैं एक लाइन ऐड कर दूं इधर आपके इधर, सिर्फ एक लाइन जी। ये जो नक्शे पे लोग देख रहे हैं बिलीज, छोटा सा देश दिख रहा है बिलीज, सीधी लाइन है। हाँ ये जो लाइन बिलीज है ये इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ब्रिटिश कॉलोनी है ये ब्रिटिश कॉलोनी है। तो और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ ये बेलीज है और इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पनामा सिटी, ये भी ब्रिटिश स्पेनिश मिक्स कॉलोनी है। और फिर अगर हम थोड़ा सा इधर जाएंगे तो हमारे लोग हैं गयाना सुरीनाम, ये ब्रिटिश कॉलोनी है पूरी, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। फ्रेंच गयाना इसमें फ्रेंच कॉलोनी है, तो ये कितना विम्सिकली डिवाइड किया है पूरा। और फिर उसके बाद जो इधर ये जो सेंट डोमिंगो पोर्ट ये सब जो देश आते हैं कैरिबियन, ये सब देश जो आते हैं ये भी सब ब्रिटिश कॉलोनीज हैं। और ये तो मतलब एक आर्बिट्रेरी पूरा स्टेट है। और यहाँ पे जाएंगे तो
तो ये जो जगह आती है सारी, ये अगेन ब्रिटिश कॉलोनी है। तो पोर्चुगीज स्पेनिश के बीच में ब्रिटिश कॉलोनीज बनी हुई है, और चिले पे देर वॉज ए कंबाइंड राज चलता था, लेकिन अभी प्योरली स्पेनिश है। तो पूरा चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिक का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है यहाँ पे, जो कि पेपल बुल के द्वारा स्थापित किया गया था। दैट्स इट, आई वांट टू ऐड, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। यस जी हाँ, तो अब एक और ये कहते हैं जी देश है, नेशन है, स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कथा और आनंददाई या दुखदाई या पीड़ादाई कथा। इंग्लैंड में जेलें भर गई, उफनने लग गई, क्यों? जेल के जिन कैदियों को अमेरिका भेजते थे इसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बसाया था ना, उसने कह दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तुमको टाटा बाय बाय। तो mid-19th century में इंग्लैंड की जेलें उफनने लग, इंग्लैंड के अर्बन एरियाज में अपराधियों को पकड़ के बंद करना वहां के शासकों के लिए कठिन हो गया। कैसे शासक? जो कह रहे हैं जी हम दुनिया के बादशाह हैं, और इनको कहते हैं अर्बन थीव्स। इसमें एक बड़ी संख्या थी जो रोटियों की चोरी करती थी और पेटी थेफ्ट करते थे। तो इससे क्या पता चलता है, मिड 19th सेंचुरी में, अभी हम आपको सब आंकड़े देंगे, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड अपने नन्हे से पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, जन को, लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा है, ऐसा कंगाल है दुनिया से, चोरी, झपटा, छिनैती, ठगी के बावजूद। आंकड़ा 13 मई 1787 क्या हुआ, आप इसको अंग्रेजी में बोल दीजिए, 13 मई 1787 को इंग्लैंड से 730 कन्विक्ट यानी अपराधी लाकर ऑस्ट्रेलिया में छोड़े गए। अब 1830 यानी 13 साल उधर और 30 साल उधर, 43 साल के अंतराल में 1830 में एक साल में 58,000 अपराधी लाकर यहां छोड़े गए। इसको कॉलोनी कहेंगे, इसको एम्पायर कहेंगे? और यहाँ के जो मूल लोग हैं जो उनको माओरी कहते हैं, और बहुत सारे नाम है, माओरी मुख्य है, ये तो लाखों में थे ना, इनको मारा गया, काटा गया, तरह तरह की बीमारियों से मरे, उसकी अलग कहानी। अब आज तक इनको माना जाता है कि ये पेड़ पौधों की कैटेगरी में है। और ये अपने को विकसित, डेवलप, कल्चर्ड और क्या कहते हैं, खुशहाली के इंडेक्स में ऊपर, और लोकतंत्र वाले देश कहते हैं। ये जो मैंने सीरीज शुरू किया वो इसीलिए शुरू किया कि अगर इनके एजेंडा पर, इनके शब्दों पर, इनकी भाषा के साथ चलेंगे तो नए नए प्रकार के मिथ में फंसते जाएंगे। किसके मिथ? ह्यूमन राइट के मिथ, डेमोक्रेसी के मिथ, पॉलिटिकल सिस्टम के मिथ, कल्चर के मिथ, सिविलाइजेशन के मिथ, रिलीजन के मिथ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के मिथ। ये केवल जाल बुनना है, मकड़ी के जाल बुनना है अन्यों का शिकार करने के। तो 1830 में 58,000 अपराधी भेजे गए अकेले इंग्लैंड से, और 1851 में
4.5 लाख अपराधी भेजे गए, या इनकी अपराधियों की संख्या 4.5 लाख हो गई। और 1861 में ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, वेल्स के, या केवल इंग्लैंड के, इतना डिटेल नहीं मेरे को मिला, 11.5 लाख अपराधियों की संख्या थी। ये कहेंगे हम सेटलर हैं, हम सिविलाइजेशनल मिशन पर हैं। कैसा सिविलाइजेशन? मार काट, नृशंसता, बीभत्सता, लंबी कहानी है जिस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और इनके अनुसार 1788 के पहले करीब 10 लाख मूल निवासी थे। तुमको कैसे पता जी? तुमने तो ऑस्ट्रेलिया देखा नहीं था। ये ऑस्ट्रेलिया में जो पीला पीला क्षेत्र दिख रहा है, 80 से 90% इस ऑस्ट्रेलिया का मूल नाम क्या है आदित्य जी बताएंगे? ये तो अगम्य क्षेत्र है, ये तो दहकता हुआ क्षेत्र है, ये तो रेगिस्तान है, पठार है, अगम्य है, जहां जाया नहीं जा सकता, जहां वहां के मूल निवासी नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तुम यूरोपियंस ने तो इसको देखा नहीं, तो तुमने कहा 10 लाख है, तो मान लेना चाहिए 40-50 लाख की जनसंख्या होगी। और तुमने कोई सेंसस तो किया नहीं, तुम्हारा अनुमान है। तुम्हारा सेंसस तो उतना ही है ना जितना जाके वहां उतरते थे, मरखप जाते थे, अगली बार फिर आते थे, कुछ पुराने वालों के बच्चे कच्चे पैदा होते थे। तुम्हारा सेंसस रखने का तो हिसाब ये है। तो ये एक आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर इलीगल नेशन स्टेट है। और ये क्या है? यूरोपियन सेटलर्स का ऑक्युपाइड क्षेत्र है, जो तुम्हारे अपने बनाए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपराध है। तुमने एक युद्ध घोषित किया मूल निवासियों के विरुद्ध और उनका जेनोसाइडल हत्याकांड किया, तो जर्मनी वालों पर जो युद्ध अपराध का, वॉर क्राइम का मुकदमा चला, वो सब तुम पर भी तो चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और ये चलेगा इसी 21वीं शताब्दी में हमारे और आपके सामने। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप बताइए, आपकी एक्सपर्टीज है ओरिजिनल एटलस की। शाल्मली द्वीप है और भगवान राम की सेना, सुग्रीव की सेना इसी दिशा से गई थी। अच्छा देखिए, हाँ, ये शाल्मली द्वीप है और सिडनी के पूर्वी दिशा में गरुड़, विनता नंदन गरुड़ का चिन्ह भी है, वो मैंने बुक में भी बताया है किधर है वो। हाँ, हाँ, हाँ। और देखिए किस तरह डिवाइड किया है, लोग अगर मेरा मैप देखें ध्यान से, ये जो इंडोनेशिया का ये रुपयक द्वीप है, ये रुपयक द्वीप है, ये शिशिर पहाड़ है, जयपुर इसका नाम, आज भी यहाँ पे जयपुर नाम है, देख लीजिए जयपुरा आज भी है। हाँ। तो जयपुर भारत में भी है, जयपुर पपुआ में भी है, रुपयक द्वीप में भी है। और कैसे विमसिकली डिवाइड किया, एक लाइन खींच दी उन्होंने, तो ताकि इस ऑस्ट्रेलिया पे कोई सिक्योरिटी का अटैक ना हो, तो ये ब्रिटिश कॉलोनी है पपुआ न्यू गिनिया। और इसके पूर्वी दिशा में बिस्मार्क सी है, यहाँ पे जर्मन्स भी थे, बिस्मार्क यहीं पे आ गया। और फिर पीजी का आयरन थोड़ा सा हिंदू बच गया, हिंदू कैसे बच गया, क्योंकि यहाँ पे हिंदू ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे हिंदुओं को लेकर आए थे, मतलब इंडिया से। और देखिए समोआ, न्यू कैलिडोनिया और टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक आइलैंड्स, सारा का सारा एरिया ऑक्यूपाई किया है कॉलोनाइजर्स ने, सब का सब। और यहाँ के मूल निवासियों को बाहर फेंक दिया गया, कहाँ फेंक दिया किसी को मालूम ही नहीं है। जैसे कि गार्सिया में किया था लोगों के साथ, डियो गार्सिया में 60,000 लोगों को बाहर फेंक दिया था ब्रिटिश ने, तो रैंडमली ऐसे भी यहाँ पे किया है। तो ऑल दीज थिंग्स आर दिख ही रहा है सबको। अभी ये लोग शर्म के बारे में बोलते हैं कि माओरी है, हम लोग हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज बीन वाइप्ड आउट। अभी ऑस्ट्रेलिया में नो वोट भी हुआ था, वेयर द इंडिजिनस पॉपुलेशन अबोरिजिन्स, इधर के लोगों को अबोरिजिन्स बोलते हैं, न्यूजीलैंड के लोगों को माओरी बोलते हैं, when they ask for a
राइट्स, तो वो वोट को करके रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। तो ये यहाँ की डेमोक्रेसी है, और हम लोगों ने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। अच्छा, ये जो तस्मान सी है, इसके बारे में रामायण में उल्लेख आता है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस सी, उस रामायण में भी बोला जाता है, तिमिंगला बड़ी लहरें उठती है रामायण में बोला जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर, पूरा का पूरा जो एरिया है वो सनातनी था और रहेगा भी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक भी आपको सीक्रेट जगह जिनकी नहीं दिखेगी, एज बीन एवरीथिंग हैज बीन वाइप्ड आउट बाय द चर्च। सिडनी और इसका एरिया बीच में कोई रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूल निवासी रहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला, काउंट नहीं किया उनको, क्योंकि उनको पत्थर पेड़ पौधे पौधे के अनुसार माना जाता है, इतना ही काउंट करना इनकी औकात नहीं थी ना। बिल्कुल, ये 500 700 10,000 20,000 जा रहे थे, औरत बच्चे सहित, वो मार के काट के फेंक देते। सेंसस करना, जनसंख्या की गणना करना तो राज्य का काम है ना, अपराधियों के समूहों का काम तो है नहीं। तो एक मुझे लगता है मूवमेंट चलना चाहिए कि भाई मूल नामों को वापस करो, या हम मूल नाम से ही स्थानों को, झीलों को, नदियों को, पहाड़ों को बुलाएंगे, क्योंकि नाम ही पहचान है। और भद्दे गंदे नृशंस हत्यारों के नाम से स्थानों का नाम रखना, यह अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। तो हम लोगों को मूल नामों से स्थानों को और सब चीजों को बुलाने की एक इंटेलेक्चुअल मुहिम सनातनियों को, इंडिजिनस लोगों को शुरू करनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई मुहिम चल रही है तो उसको और अधिक बल देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मूल नाम आते ही पहचान आ जाएगी, कनेक्टिविटी आ जाएगी, हिस्टोरिकल कनेक्शन मिल जाएंगे, कल्चरल पीपल्स कनेक्शन मिल जाएंगे। तो कमाल की बात है, जिनकी हमने चर्चा की आज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों क्षेत्रफल की दृष्टि से परम प्रतापी प्रचंड नैसर्गिक राष्ट्र भारत से बड़े हैं। कौन से भारत से? 15 अगस्त 1947 को जो विराट नैसर्गिक राष्ट्र नेहरू, गांधी, चर्चिल के साठगांठ से, जहां अनेकानेक एनिमी स्टेट खड़े की। राष्ट्र खंडित नहीं होता है, राष्ट्र का विभाजन नहीं होता है, राष्ट्र तो चिन्मय सत्ता है, चिदंश है, ईश्वरीय अंश है। उसमें राज्य आते जाते रहते हैं, राजा आते जाते रहते हैं। तो इस विशाल भारत राष्ट्र के अंदर 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। केवल पाकिस्तान तो नहीं था, उसके पहले अफगानिस्तान, और इस पूरे क्षेत्र को ले ले तो ये पांचों स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तिब्बत। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के डाक टिकटों पर और उनकी उपाधि देखिए तो महाराजा जम्मू कश्मीर और त्रिविस्टक, इसकी कहानी लंबी है। तो 15 अगस्त को इस विराट राष्ट्र में, नैसर्गिक राष्ट्र में एनिमी स्टेट खड़े किए गए। मुसलमानी राज्य का मतलब क्या है? जो हिंदुओं को मारेंगे, जो सनातन धर्म को वाइप आउट करेंगे, जो इस कल्चर का नाश करेंगे, जो पूर्वजों को अपना नहीं मानेंगे, जो उस भाषा को नहीं मानेंगे, उज्बक किस्म की नई भाषा का इजाद करना चाहेंगे, इजाद हुआ नहीं। तो एनिमी स्टेट खड़े किए गए। तो इससे बड़े दो और हैं, वो दोनों और भयंकर हैं, दो भयंकर कम्युनिस्ट रेजिम
जिनके कब्जे में इस नैसर्गिक अखंड राष्ट्र भारत की विराट भूमि गई, एक पीआरसी जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की, और दूसरा रूस जो 1917 में यूएसएसआर बन गया, 1990 में पुनः रूस बन गया। तो ये यूरोपियन अमेरिकन कॉलोनाइजेशन इंपेरियलिज्म की तो बड़ी चर्चा होती है, कम्युनिस्ट खास करके बहुत करते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन, कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म, कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म, उनकी भाषा, हमारी भाषा ऑक्यूपेशन जेनोसाइड की तो कोई चर्चा ही। ये जो रूस है 1870 में जब जर्मनी एक नेशन स्टेट के रूप में उदय होता है, तो 1870, 1850, 1830 में रूस का नक्शा यूरोपीय डिप्लोमेट्स और यूरोपीय लोग जो बना रहे हैं, स्वयं रूस जो बना रहा है, उस नक्शे को देखिए, रूस कितना बड़ा है, रूस इतना बड़ा है। ये जो पूरे एशियन क्षेत्र में पैसिफिक ओशन तक जो ये रूस फैल गया, जो भारत की सीमाओं तक रूस को दिखाया जाने लगा, यूएसएसआर को दिखाया जाने लगा, ये तो भाई कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन है, ये तो भाई सेटलर्स ऑक्यूपेशन है, जिसको ग्रेट गेम कहते हैं। ये तो मिड 19th सेंचुरी में शुरू हुआ है ना, और ग्रेट गेम क्या है, ब्रिटिश खोपड़ी का इमेजिनेशन कि रूस आ रहा है, रूस आ रहा है। रूस को तो ये क्षेत्र ही नहीं पता, कौन सा क्षेत्र, सेंट्रल एशिया, दुर्गम अगम्य क्षेत्र, ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, पहाड़, पठार, जहां पर नन्हे नन्हे सेटलमेंट है, कुछ नन्हे नन्ही घाटियों में जहां जल की उपलब्धता है। ये तो एक पशुपालक समाज का क्षेत्र है, जहां घास के हरे मैदानों का विशाल क्षेत्र है, जहां तुरुस्कों के, शकों के, मंगोलों के, हूणों के घोड़े दौड़ते हैं। ये रूस तो मंगोलों का गुलाम रहा है ना भाई, इनका इवान द टेरेबल जो पहला शासक बताया जाता है बाद में, ये तो मंगोलों का मुंशी था ना भाई, मंगोलों के लिए टैक्स कलेक्शन करता था ना भाई, और मंगोलों के डर से भाग के मस्कवा, जिसको मास्को कहते हैं, उस जगह जाकर छिप गए थे ना भाई। मास्को क्या है, भयंकर ठंडा, -30-40 डिग्री टेम्परेचर वाला जगह, जहां मनुष्य के लिए जिंदा रहना कठिन है, जो घने ठंडे जंगलों का क्षेत्र है, जहां के पेड़ों को काटना